ऐसा नहीं हुआ कि पिछली बार टेंडर हुआ था उसका पूरा पैसा नहीं जमा हुआ और ठेकेदार लगातार काम कर रहा है, ये कौन सी बात हुई? आपके यहाँ वसूली कोई रेट वगैरह है? कितना आया है? टेंडर कितने का हुआ था? वार्षिक वार्षिक आय उसकी लगभग कितनी थी जो टेंडर हुआ था? 30 से 40 लाख रुपए। उसमें कुछ इम्प्रूव भी होना था, दोबारा टेंडर नहीं हो पाया। और ये जैसे लगता है तो आपके यहाँ से वही रेट पर वसूली होती होगी ना जिस रेट पर निविदा में वसूली करता था? रेट तो रेट वही है। तो सारे यूनिपोल की वसूली करते हैं कि कुछ लिमिटेड है? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कोई नोटिस कुछ है क्या? उस पर नहीं, कोई व्यक्ति यूं ही अनाधिकृत तरीके से पूरे नगर पालिका परिषद क्षेत्र में होर्डिंग लगाएगा और पैसा नहीं जमा करेगा उसकी होर्डिंग लगी थी, ये लग क्यों रही है? बताएं वो धड़ल्ले से लगाया जा रहा है, इसे क्यों लगा, कैसे लगा पा रहा है? अरे कब से मांग कर रहे हैं, एक बस बाद हम लोग मिल रहे हैं। इस बीच में जो आपने उससे मांग किया है, क्या मांग किया, उन्होंने क्या जवाब दिया, बताएंगे तुम को? सचिव महोदय आप ध्यान से सुनिए, एक तरफ तो जनता पे टैक्स अधिरोपित करके तरह तरह के उपक्रम करके स्वावलंबी बनाओ स्वावलंबी बनाओ स्वावलंबी बनाने की बात चल रही है, दूसरी तरफ करोड़ों रुपए की आय का साधन जो आपके हाथ में है उस पर केवल नोटिस देकर और नगर पालिका को चूना लगाया जा रहा है। आप बताएं कितनी नोटिस दी उसका कितना जो जवाब उन्होंने दिया वो रिश्वत को बताएं। आपने नोटिस मंगवा कर बताइए कि जो नोटिस दिया है आपने वो क्या है, उन्होंने उस पर जवाब क्या दिया है? सर सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आपके नगर पालिका में टैक्सेस ये जो आपका जो यूनिपोल में जो है ये तय है रेट, ये रेट फिक्स है जो कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत रेट है कि इसमें से ये यही रेट पे वसूली की जाएगी। अगर वसूली नहीं उस रेट पे की गई है तो वो रेट जो जितने यूनिपोल लगाया है यूनिक पोल पे ये लग गया है तो उसका आपको चार्ट उठते क्या भेजा गया अगले को जरा आपको बता दिया जाए, जो हमारे यहाँ तो रेट तय है ना भाई, रेट तय है नोटिस एक इस सदन द्वारा रेट तय है कि कहेंगे कि यूनिक पोल हमारे नगर पालिका के इतने हैं, ठीक है बाकी उनके हैं, लेकिन जमीन नगर पालिका की मेरी जमीन पे मेरी परमिशन के बगैर अगर कोई यूनिक पोल लगाता है हमको टैक्स नहीं देता तो हम उसके यूनिक पोल पर या तो विज्ञापन नहीं करने देंगे या तो उसका यूनिक पोल हटाने की भी अथॉरिटी हमारे पास है। जमीन किसी की रजिस्ट्री में, जमीन नगर पालिका की सरकारी जमीन है ना, तो अगर उनके किसी की यूनिक पोल व्यक्तिगत भी है बहुत स्पष्ट जानी है तो वह उस पर यूनिक पोल पर तभी वो टांग पाएगा जब मेरी जमीन से होकर ऊपर जाएगा तो हम उसको रोक सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको नहीं रोक रहे हैं वो लगा रहा है पैसा वसूल रहा है नगर पालिका को दे नहीं रहा है उसके बाद भी लगाया जा रहा है तो नगर पालिका के जिम्मेदार लोगों की मानता पर भी बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल स्पष्ट सी बात है, दो एकदम क्लियर बात है कि ये आज से शुरुआत है तो इसको आज से दुरुस्त करके चलेंगे, लेकिन पिछले की बात की तो उसकी भरपाई का भी सिलसिला जारी रहेगा, ऐसा नहीं चलेगा उसको मंगाइए। एक मिनट, लेकिन इसमें एक चीज और है कि इसमें एग्रीमेंट है, सबसे बड़ी चीज है कि इसमें एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट में जो लिखा है उस हिसाब से अगले पे कार्रवाई की जाए, सीधी सी बात है। अगर वो नहीं करता तो उसमें जब्ती का भी है, आप नियम उसके नियम पढ़ लीजिए या नियम के हिसाब से कार्रवाई कर दीजिए। वो तो याद होगा कितने लोग उसको आप देखिए अपने हिसाब से जो आपका रेट तय है सदन से वो रेट से उनको नोटिस भेज के अगर वो नहीं जमा करते हैं तो वो उनका यूनिपोल जब्त कर लीजिए, आप स्वयं में सब लगाइए और स्वयं में आप देखिए ना नहीं वो टेंडर हुआ वही है तो हमारा नगर पालिका आय हमको बढ़ाना है अब वो आय बढ़ाएगा। यहाँ एक टेंडर जो हुआ था वो काफी विवाद रहा, काफी चर्चा में रहा,
उसकी आज की स्थिति क्या है, क्या वो टेंडर अभी भी स्टैंड है क्या? देखिए एक लिखा पढ़ी के अलावा मेमोरी भी कुछ चीज होती है, हम लोग के पास कुछ नोटिस नहीं आती, लेकिन हम लोग याद रखने में हम बताएं आपको जी, जो भी अवशेष धनराशि था उसका हम लोगों ने नोटिस दिया था, फिर आरसीबी भेजा गया, फिर वो हाईकोर्ट चले गए, तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो ठीक वैसे ही हो गया, कुछ पुरानी वाली वसूली वाली। अब ये हाईकोर्ट का क्या आदेश था, नगर पालिका का आदेश था कि पार्टी को? नहीं नहीं, नगर पालिका को, जिला प्रशासन को, सबको पार्टी। क्या था? नहीं हमको ऐसे आप बता दीजिए ना कि उनको क्योंकि वो टेंडर लिए हैं तो होल्डिंग लगाएंगे और वसूली करेंगे, आपको टैक्स नहीं देंगे, इस तरह का आदेश नहीं था वो पिछले साल जिस अवधि का उनका था, लेकिन इधर वाला जो है 2 साल का जो मामला है वो कोरोना वोना कुछ लेकर तो उन्होंने कुछ लिया, हम कोरोना माल लिए 20 तक कोरोना माल लिए, जो इधर वाला है ये 21 20 21 21 22 22 23 आप इस वसूली में लैगनेस है इस बात को एक्सेप्ट करने से एक्सेप्ट करने मात्र से क्या हमारे यहाँ नगर खजाने में पैसा जमा हो जाएगा क्या उसका? नहीं कार्रवाई नहीं, तय कर लीजिए कि या तो आज के बाद से होल्डिंग नहीं लगेगी, नहीं तो पीछे से जोड़ कर उनको तय करा के तभी आगे से होल्डिंग लेके हो। सदन के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ से रेट निर्धारित हुआ है कोरोना काल का जो कालखंड है उसको जब प्रतिबंध लगा था नहीं लग रही थी होल्डिंग, हालांकि तब भी लगा ले रहे थे रात बिना, उसके बाद से जो निर्धारित रेट है उस रेट से अभी तक की वसूली जो होनी है वो या तो जमा करें और नहीं तो आने वाले एक सप्ताह के अंदर अगर जमा नहीं करते तो आप उन सारे जगहों पर होल्डिंग लगवाना बंद करके अपने अधीन करके अपने विभाग से होल्डिंग लगवाइए, अपने विभाग में आपके कर्म घुमाएंगे जिनको होल्डिंग लगाना है, यहाँ पैसा जमा करेंगे यहाँ से लगवाएंगे। वसूली करा रही नहीं समय तो इतनी कम वसूली विभाग क्यों कर रहा है, जब वो चले वो हट गए आप कैसे हो गया तब वो नहीं दे रहे इसका जिम्मेदार कौन है? आप अपनी आरती के लिए आपने टेंडर करके उसको 85 यूनिट पोल दे दिया है और वो 6 महीना बेचारा दौड़ रहा था, एक भी यूनिट पोल उसको कब्जा नहीं दिया गया, तो किस आधार पर 6 महीने पैसा आपको देगा? यही मामला कोर्ट में चल रहा है ना, तब फिर को बात जो टेंडर लिए उनको भी, लेकिन उनके बाद टेंडर होल्डर को आपने यूनिपोल एक नहीं दिया तो उससे वसूली के विषय में आप जानो वो कोर्ट गए, लेकिन जब से 3 साल से आपके अधीन है तो कौन से ऐसे प्रभावशाली लोग हैं जो होल्डिंग लगा भी रहे हैं और विभाग को ठेगा भी दिखा रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे? केवल जनता को के लिए ये विषय जो है कोई ऐसा विषय नहीं है, बहुत बड़े गमन का मेरा सीधा आरोप गमन का विषय है, या तो जिम्मेदार लोग उससे प्रभावित हों या उससे खुद लाभान्वित हों, क्यों उसको यूनिपोल पर लगा दिया जा रहा, क्यों पैसा नहीं दिया जा रहा, भैया कोई विषय है आपका 45-50 अब तक वसूली का जो गया 70 लाख गया, जो बढ़ने का रेशियो 70 लाख पर मंथ आय होती है, जमीन हमारी मकान हमारा पता तो दिया, जमीन हमारी लगा हुआ है, क्या कोरोना काल में जब आप इसके पोल के लिए क्या कुछ संशोधन आपने अगर किया तो
क्या हाउस टैक्स के लिए भी क्या कुछ ऐसी योजना आपने लागू की क्या? जब उस पर नहीं हो सकता तो यूनिट पोल पर कैसे हो गया? 10 लाख की वसूली अगर हुई है अगले साल में हमारे गया जब इसके पहले 1 करोड़ का टेंडर हुआ तो फिर आया कहाँ से? भाई मकान हम बनाते हैं, अपना बनाते हैं, अपनी जमीन पर बनाते हैं। जब नगर पालिका की जमीन पर जब यूनिट पोल लगा हुआ है तो उस पर कौन सा प्रावधान आ गया इस पर टैक्स कम करने का? स्वयं से जिम्मेदार लोग हैं कि जब टेंडर होल्डर हाईकोर्ट गया उसकी बात खत्म हुई, 3 साल से हम वसूली कर रहे हैं तो लगातार गिरावट है। देखा जाएगा ये उसके बाद क्या बता दें कि आपने क्या किया। आपसे उसी भरोसे थोड़ी नगरपालिका चल रही है, तो बात ही खत्म हो गई ना। अच्छा मैडम 5 लाख से चीज है, 1 करोड़ आपने क्या लिखते हैं आप इसके जो क्या हो साधार ऐसा सोचा आपने कि इस बार जादू की छड़ी घूमेगी इस वित्तीय वर्ष में और 7,62,000 1 करोड़ पहुंच जाएगा। 1 करोड़ कैसे पहुंचेगा? अरे वसूली तो कर नहीं पा रहे पिछले रेट पे, रेट बढ़ा के क्या मिलेगा? कोई रेट कितना बढ़ा रही जो 10 लाख था वो घट के 5 लाख आपके आगे करोड़ पीछे लगा रहे हैं। इतनी ताकत क्यों नहीं है कि उन लोगों को रोका जा सके? कौन से ऐसा ताकतवर लोग हैं भाई कि वो लगा भी रहे हैं पैसा भी दे रहे हैं अब बदस्तूर आप जो है चला नहीं ताकतवर हो ठीक है आपके पास भी ताकत है आप नहीं आपके पास है लाइट वाला है ले जाके मार के फा दीजिए तुरंत नहीं रहेगा नहीं लगेगा यार हमारी नहीं आपको पता चला लगा दिया और बिना आपको पैसा जमा करे वो लगा दिया बिना परमिशन के आपके लगा दिया तो आप बिना परमिशन के उसको फाड़ भी सकती है आपके पास पूरा कितनी होल्डिंग आपके परमिशन से लगी इसकी जानकारी तो10 दिन में हटा दिया था तो बिना पूछे हटा दिया। 5 लाख की वसूली हुई किससे उसकी कोई रसीद नहीं कुछ नहीं मिला।